लेसन नेशनलिज्म इन यूरोप. यू हैव डन टॉपिक्स रोमांटिसिज्म, यू हैव डन नेपोलियनी कोड, यू हैव डन एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हंगर हार्डशिप रिवोल्ट. योर टूडेज टॉपिक इज हंगर एंड हार्डशिप रिवोल्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक क्राइसिस केम इन यूरोप, इन होल ऑफ यूरोप इन 1830. इन 1830 इकोनॉमिक क्राइसिस केम इन यूरोप. अगर आपको पूछा जाए इकोनॉमिक क्राइसिस इन विच ईयर इकोनॉमिक क्राइसिस अकर्ड इन यूरोप, तो दैट इज 1830. बट इन 1848 इन फ्रांस पेरिस पीपल केम ऑन द रोड. पेरिस कैपिटल ऑफ फ्रांस. पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस. इन फ्रांस पीपल केम ऑन द रोड प्रोटेस्टेड. फूड क्रॉप्स फेल्ड एंड दैट देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट. पीपल केम ऑन द रोड एंड प्रोटेस्टेड. एज यू नो लुइस फिलिप वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ फ्रांस. लुइस फिलिप and Louis Philippe fled to other country. In 1830, Louis Philippe became the constitutional monarch of France. So Louis Philippe fled to other country. And in his absence, National Assembly was formed in France. This National Assembly gave right to vote only to the male who were at the age of 21. तो ये वन मार्क क्वेश्चन है. नेशनल असेंबली ने राइट टू वोट किसको दिया? पीपल हुवर एट द एज ऑफ 21. ओनली मेल हुवर एट द एज ऑफ 21. नेशनल असेंबली गेव राइट टू वोट ओनली टू द मेल हुवर एट द एज ऑफ 21. नेशनल वर्कशॉप्स वर आल्सो सेट अप इन फ्रांस. नेशनल वर्कशॉप्स वर आल्सो सेट अप इन फ्रांस दैट provided job opportunities to the people. National workshop set up हुई थी फ्रांस में and that workshop provided job opportunities to the people. So this happened in France. In this way they solved their economic problems. First of all National Assembly set up हुई. Right to work was given to all. National workshop set up की उन्होंने and right to work was given to the people and right to vote was given only to male who were at the age of 21. So learn like this. One more questions can be framed. Suffrage means right to vote. Isko diya right to vote only to male who were at the age of 21. So learn this. So economic crisis came in France in 1848. In Europe started in 1830. बट इन पेरिस प्रॉब्लम जो थी ज्यादा जो प्रॉब्लम बड़ी दैट वॉज इन 1848. देर वॉज रिवोल्ट इन सिलेशिया ऑल्सो. सिलेशिया वॉज अ विलेज एंड इन 1845 यू हैव टू लर्न द ईयर एंड हियर टाइम एंड डेट इज ऑल्सो गिवन. टाइम एंड डेट इज ऑल्सो गिवन 4 June 2 PM. 4 June 2 PM. देर वॉज रिवोल्ट इन सिलेशिया. सिलेशिया में रिवोल्ट हुआ था. वीवर्स को एक कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर हैड गिवन ऑर्डर टू द वीवर्स टू वीव क्लोथ फॉर हिम. व्हेन क्लोथ वाज रेडी कॉन्ट्रैक्टर लोअर्ड द प्राइस. सो दैट्स व्हाई वीवर्स इन सिलेशिया प्रोटेस्टेड एंड दे अटैक्ड द स्टोर हाउस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्टर मैं एक कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रही हूँ. इज इट क्लियर? कॉन्ट्रैक्टर विद हिज फैमिली मेंबर्स रैन टू नेबरिंग विलेज. But he had to come back to his village within 24 hours. And he came with the help of police, army. Army fired on weavers. And here 11 weavers lost their life. One more question, how many weavers lost their life? So 11 weavers lost their life in hunger and hardship revolt that took place in Silesia. How many weavers? 11 weavers. Kab hua ye revolt? 1845, 4 June, 2 p.m. वन ऑफ द जर्नलिस्ट. क्यों हमारे पास ये एग्जैक्ट टाइम एंड डेट है? बिकॉज वन ऑफ द जर्नलिस्ट हैज सीन दैट इवेंट एंड नेम ऑफ द जर्नलिस्ट विलहेलम वुल्फ. लर्न द नेम ऑफ दिस जर्नलिस्ट हु सॉ दिस इवेंट, हु सॉ दिस रिवोल्ट.
जर्नलिस्ट का नाम है विलहेलम वुल्फ. वन मोर क्वेश्चन, नेम द जर्नलिस्ट हु सॉ द इवेंट ऑफ सिलेशियन रिवोल्ट. तो नेम ऑफ द जर्नलिस्ट इज विलहेलम वुल्फ. तो नेक्स्ट इज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. अब इसके बाद आ जाती है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, एंड देयर आर सो मेनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन. यू कैन डू दीज क्वेश्चंस आल्सो. यू हैव टू फ्रेम सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. आई एम गोइंग टू शो यू फ्रॉम द बुक, रीड देम थॉरली. लुक हियर, पेज नंबर 17, रीड दिस सोर्स. So many questions can be framed from this topic. Page number 17, source. One source is given. So feminist ka meaning bhi diya hua hai. Feminist means people who believes in the equal rights for both men and women. People who believe in the equal rights for both men and women. Jaise main aapse puchu, are you feminist? To aapko kahe yes. Because you believe in the, आप करते हो ना believe in equal rights for both men and women, mother and father के equal rights हो. घर में अगर sister है तो आपके और आपका अगर brother है तो sister के पास भी equal rights हो. अगर girl है तो वो चाहेगी मुझे भी उतने rights मिले जैसे मेरे brother को मिले हैं. तो it means you are feminist, ठीक है. People who believe in equal rights for both men and women, वो कौन होते हैं? Feminist. And here name of liberal politician Karl Wecker is given. Karl Wecker, he was an elected member of this Frankfurt Parliament. Who was Karl Wecker? Elected member of Frankfurt Parliament. And he was liberal politician. He was liberal politician. So, ek aapko Karl Wecker learn karna hai. Next in this paragraph, Louis Otto Peters. Louis Otto Peters, this name is also given in this source. He was a political activist. Louis Otto Peters, he was a political activist who founded a women's journal and feminist political association. Who was Louis Otto Peters? He was a political activist. And he founded, who founded, आपको ऐसे भी तो आ सकता है, who founded feminist political association? Louis Otto Peters. Next, who founded women's journal? Louis Otto Peters. So learn these both. Louis Otto Peters founded women's journal, and next is feminist political association. So learn these questions from this source. These are given here. Karl Wecker, Louis Otto Peters, read this source carefully. Next year, feminist ka meaning poocha hua hai. People who believe in equal rights for both men and women. Frankfurt Parliament ke ab questions karte hain iske. Jitne questions bante hain, I'm going to. First of all, this Frankfurt Parliament was held on 18th May 1848. One more question. Kab hui 18th May 1848? कहाँ पे हुई? सेंट पॉल चर्च. फ्रैंकफर्ट जगह का नाम है, जर्मनी में सेंट पॉल चर्च में हुई. दिस पार्लियामेंट वाज हेल्ड इन सेंट पॉल चर्च एंड इट वाज अटेंडेड बाय 831 डेलीगेट. हाउ मेनी डेलीगेट अटेंडेड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट? 831 800. मैं पूछू 821 831 851. 831 is the correct option. On which date this parliamentary meeting was held? 18th May 1848. It was called by liberals, conservatives, or both? It was called by liberals. It was called by liberals. Liberals wanted to make Wilhelm IV. His full name was Friedrich Wilhelm IV. Friedrich Wilhelm IV, a constitutional monarch of Germany. Wilhelm IV was the ruler of Prussia. आपको पूछा जा सकता है during Frankfurt Parliament, who was the ruler of Prussia? Friedrich Wilhelm IV. Friedrich Wilhelm IV was the ruler of Prussia in those days. And here liberals wanted to make him, क्या बनाना चाहते थे उसे? Constitutional monarch of Germany. But Wilhelm IV was under the influence of aristocrats. He refused
because this meeting was called by liberals, so that's why he refused and this parliamentary meeting failed. तो ये मीटिंग फेल हुई थी बिकॉज विलेलम फोर ने खुद ही मना कर दिया कि वो नहीं बनेगा. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 18 मई 1848 वहां पे हुई. सेंट पॉल चर्च अटेंडेड बाय 831 डेलीगेट्स. मेन नेम ऑफ दिस मीटिंग टू मेक फ्राइडरिच विलहेलम फोर रूलर ऑफ प्रशिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ जर्मनी बट he was under the influence of aristocrats, rich people. He refused, and due to his refusal, this parliamentary meeting failed. In this meeting, women were standing at back as observers. आपको पूछा जा सकता है कि women के views लिए गए थे इस meeting में? No, their views were not taken. They were standing at back only as observer. This showed that women were aware about their rights. इन दिस मीटिंग वुमेन जो थी वो पीछे खड़ी थी, उनके व्यूज नहीं लिए गए. दे वर स्टैंडिंग एज ऑब्जर्वर ओनली बट वुमेन ने अटेंड तो की ना ये मीटिंग. तो दिस शोड दैट वुमेन वर अवेयर अबाउट देयर राइट्स. तो इस मीटिंग में वुमेन वर स्टैंडिंग एट बैक. यू कैन सी हियर दिस इज द ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की पिक और आप पीछे देखो वुमेन खड़ी हैं. वुमेन आर स्टैंडिंग इन दिस पिक एट बैक. So this showed that women were aware about their rights. So it means this question में से आपको जितने ये question बनते हैं मैंने बोल दिए, ठीक है? So next is impact of this Frankfurt Parliament. अब यहाँ पे पूछा जा सकता है. For example, आपको ये पूछ सकते हैं कि serfdom and bonded labor was abolished in कहाँ कहाँ पे खत्म हुई? Habsburg dominion and in Russia. Habsburg dominion and in Russia serfdom was abolished in Habsburg dominion and in Russia. After this Frankfurt Parliament, conservatives jo the they became weak and liberals were becoming popular. In after this meeting, earlier conservatives were powerful in Europe. There was conservatism in Europe, but after this meeting, conservatives jo the now they were becoming weak and liberals were becoming popular. So that's why serfdom was abolished in Habsburg dominion and in Russia. So this was the impact of Frankfurt Parliament. So next is iske baad aapka topic aa jata hai unification of Germany. So isme kitne hi one mark questions ban ja rahe hain Germany ki unification ke. फर्स्ट इज तो आपको ईयर पता होना चाहिए जर्मनी की यूनिफिकेशन का, किसके अंडर हुई, किसने की, ये सब कुछ पता होना चाहिए. यूनिफिकेशन, सो मेनी क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम द यूनिफिकेशन. मैं सिर्फ यूनिफिकेशन लिख देती हूँ. फर्स्टली जर्मनी की यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. अब इसमें हम बताएंगे इनिशिएटिव, हु टुक द इनिशिएटिव ऑफ दिस यूनिफिकेशन. प्रशिया, किसने लिया था इनिशिएटिव? प्रशिया. हु टुक द इनिशिएटिव? प्रशिया टुक द इनिशिएटिव फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेट्स? 39 स्टेट्स. पनामा क्वेश्चन, इनटू हाउ मेनी स्टेट्स जर्मनी वाज डिवाइडेड बिफोर द यूनिफिकेशन? 39 स्टेट्स. इतना तो बताना, 39 स्टेट्स में बटा हुआ था. एंड ये यूनिफिकेशन हुई है 18 जनवरी 1871. वन मार्क क्वेश्चन, 18 जनवरी 1871 को ये यूनिफिकेशन हुई. हु टुक द इनिशिएटिव ऑफ दिस यूनिफिकेशन? प्रशिया. जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेट्स? 39. अब आपको बताना है कि रूलर ऑफ प्रशिया, बिकॉज प्रशिया टुक द इनिशिएटिव ना, जर्मनी तो पार्ट्स में बटा हुआ था. Germany was divided into 39 kingdoms and ruler of Prussia in those days was William I. Earlier मैंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बताया था विलहेलम फोर की डेथ हो गई. Now William I was the ruler of Prussia during the time of the unification of Germany and chief minister of Prussia was Otto von Bismarck. Who was the chief minister? Otto von Bismarck. You have done all these before
इन सब्जेक्टिव फॉर्म क्वेश्चन, सो आई थिंक इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चीफ मिनिस्टर ऑफ रशिया वाज ऑटोवन बिस्मार्क, रूलर वाज, कौन था रूलर? विलियम वन, एंड चीफ मिनिस्टर वाज ऑटोवन बिस्मार्क, एंड बिस्मार्क फोर्ट थ्री वाज विद इन 7 ईयर्स। बिस्मार्क था कौन? ही बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ ब्लडशेड एंड ही फोर्ट थ्री वाज, ही बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, अग्रेसिव नेचर का पर्सन था, एंड ही फोर्ट थ्री वाज विद इन 7 ईयर्स। ही डिक्लेयर्ड फर्स्ट वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, यू नो इट वेल कि ऑस्ट्रिया के साथ ही इटली की फर्स्ट वॉर हुई है, ऑस्ट्रिया के साथ ही जर्मनी की भी फर्स्ट वॉर हुई है। बिस्मार्क डिक्लेयर्ड फर्स्ट वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड वॉन इट, देन ही डिक्लेयर्ड सेकेंड वॉर अगेंस्ट डेनमार्क, वॉन इट, देन ही डिक्लेयर्ड थर्ड वॉर अगेंस्ट, थर्ड वॉर उसने किसके अगेंस्ट डिक्लेयर की? फ्रांस, नोन एज फ्रेंको प्रशियन वार। फ्रेंको प्रशियन वार वाज फाइट बिटवीन, किस किस में हुई फ्रेंको प्रशियन वार? फ्रांस एंड प्रशिया, फ्रांस एंड प्रशिया, लेग को ये वार 4 ईयर्स तक चली थी। बिस्मार्क वॉन दिस वार। आफ्टर विनिंग ऑल द वॉर्स ही यूनिफाइड जर्मनी अंडर हिज रूलर विलियम वन, विलियम वन के अंडर उसने जर्मनी को यूनिफाई किया ऑन 18 जनवरी 1871। विलियम वन जो सिर्फ एक प्रशिया का रूलर था, नो ही बिकेम द एम्परर ऑफ होल जर्मनी, अर्लियर ही वॉज रूलर ऑफ प्रशिया ओनली, नाउ ही बिकम द एम्परर ऑफ होल जर्मनी। जैसे मैं बोलूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी ओनली द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, और कल को हम बोले हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ऐसे तो अर्लियर भी विलियम वन की, विलियम वन ही वॉज द रूलर ऑफ प्रशिया ओनली, आफ्टर द यूनिफिकेशन ही बिकेम एम्परर ऑफ होल जर्मनी। यूनिफिकेशन कब हुई? 18 जनवरी 1871। ये सारे कितने सारे वनमा क्वेश्चन, एंड ओथ सेरेमनी ऑफ विलियम वन वॉज हेल्ड एट हॉल ऑफ मिरर्स, हॉल ऑफ मिरर्स इन वर्सेल्स। हॉल ऑफ मिरर्स आपको लर्न रखना है, ये वनमा में बोर्ड में आ भी चुका है। हॉल ऑफ मिरर में उसकी ओथ सेरेमनी हुई थी, किसकी? विलियम वन की, व्हेन ही बिकेम द एम्परर ऑफ होल जर्मनी, बिकॉज ही वॉज रूलर ओनली ऑफ प्रशिया, एक छोटी सी स्टेट का वो रूलर था, वो एम्परर बन गया होल जर्मनी का। तो किसने उसके लिए काम किया? ऑटोवन बिस्मार्क, वाज ऑटोवन बिस्मार्क चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया, एंड ही डिड द यूनिफिकेशन अंडर हिज रूलर, हु वाज हिज रूलर? विलियम वन। कब ये यूनिफाइड हुआ जर्मनी? 18 जनवरी 1871। हाउ मेनी स्टेट इट वॉज डिवाइडेड अर्लियर? 39 स्टेट। Who took the initiative for the unification of Germany? Who took the initiative? Prussia. Kisne uthai thi initiative? Prussia. And what do you know about the first phase of the unification of Germany? Who was the ruler then? During the first phase of the unification of Germany, who was the ruler of ruler then? Wilhelm IV. Because hum kehte hain first phase of the unification of Germany failed. Kyunki Wilhelm IV refused to become the constitutional monarch of Germany. तो फर्स्ट फेज जो यूनिफिकेशन का था दैट वाज अंडर विलहेलम फोर, वो तो फेल हुआ था, दैट्स व्हाई फिर दोबारा हुआ सब कुछ। अब आगे इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। इसका भी आपको ईयर पता होना चाहिए, जर्मनी से 10 साल पहले। इटली वाज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स, आउट ऑफ 7, 6 वर अंडर फॉरनर्स। 7 में से 6 स्टेट्स जो थी देवर अंडर फॉरनर्स, फॉरन रूल था वहां पे, ठीक है। नॉर्थ इटली जो था दैट वॉज अंडर ऑस्ट्रिया, आपको पता ना ड्यूरिंग ट्रीटी ऑफ वियना नॉर्थ इटली वॉज गिवन टू, आप कर चुके हो ये टॉपिक, ड्यूरिंग ट्रीटी ऑफ वियना नॉर्थ इटली वॉज गिवन टू ऑस्ट्रिया, तो अब यहाँ पे ऑस्ट्रिया ही आएगा। नॉर्थ इटली वॉज रूल्ड बाय ऑस्ट्रिया, सेंट्रल इटली वॉज रूल्ड बाय पोप, सेंट्रल इटली वॉज रूल्ड बाय पोप, वनमा क्वेश्चन है सारे। एंड साउथ इटली वॉज रूल्ड बाय बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, साउथ इटली वॉज अंडर बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। तो लर्न दीज, इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स, आउट ऑफ 7, 6 वर अंडर फॉरनर्स,
और फॉरनर्स भी आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ इटली किसके अंडर था? ऑस्ट्रिया। सेंट्रल इटली वाज अंडर हो, साउथ इटली वाज अंडर बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। सो लर्न ऑल दीज, ये सबका पता होना चाहिए। तो अभी मैंने बोला आउट ऑफ 7-6 वर अंडर फॉरनर्स, ओनली वन स्टेट सार्डिनिया पीडमोंट, सार्डिनिया पीडमोंट नेम ऑफ द स्टेट। जैसे मैं बोलू पंजाब इज द स्टेट, ऐसे ही सार्डिनिया पीडमोंट इटली की स्टेट है। That was under Italian born Prince Victor Emmanuel II. Here you have to learn the name Victor Emmanuel II. For example, in Germany you have learned the name William I, Wilhelm IV, William I. And here you have to learn the name Victor Emmanuel II. He was the ruler of Sardinia Piedmont. And he was Italian born prince. People of six states were not treated properly by foreigners. They wanted to come under the control of Victor Emmanuel II, क्योंकि उनको लगता था कि ये हमारा ही, हमारी ही कंट्री का है, तो इसके अंडर रहना बेटर है क्योंकि ये हमारे साथ अच्छा ट्रीट करेगा। तो people wanted to get freedom from foreign rule. They wanted to come under the control of Victor Emmanuel II. Victor Emmanuel II उनकी अपनी कंट्री का था। He was Italian born prince. So he was the ruler of Sardinia Piedmont. Chief Minister of Sardinia Piedmont was Count Cavour. Who was the Chief Minister? Count Cavour. For example, उधर हमने पढ़ा Bismarck, इधर कौन है? Count Cavour. अगर मैं पूछूं who is known as Bismarck of Italy? Count Cavour. Bismarck of Italy कौन है? Count Cavour. क्योंकि जो काम Bismarck ने जर्मनी के लिए किए Count Cavour did for Italy. So who is known as, ये वन में क्वेश्चन आता होता है, who is known as Bismarck of Italy? Count Cavour. तो काउंट कैवूर ने सारा ये काम किया अंडर हिज रूलर विक्टर इमैनुअल टू। ही डिक्लेयर्ड द फर्स्ट वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, बिकॉज अभी मैंने बोला नॉर्थ इटली वाज अंडर ऑस्ट्रिया। एंड हियर ही गोट, इसको हर बार हेल्प मिली है, कह लो कि ये लकी था, बिस्मार्क को हेल्प नहीं मिली, इसे हेल्प मिली है। ही गोट हेल्प फ्रॉम फ्रांस, बिस्मार्क ने फ्रांस के साथ लड़ाई लड़ी है, बट काउंट कैवूर गोट हेल्प फ्रॉम फ्रांस। तो जब उसने इटली पर अटैक किया ही गोट हेल्प फ्रॉम फ्रांस एंड ही वॉन, वो जीत गया। एंड इन साउथ ही गोट हेल्प फ्रॉम गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी कौन था? वन मोर क्वेश्चन, ही वाज पैट्रियोटिक सोल्जर ऑफ साउथ इटली। ही वाज पैट्रियोटिक सोल्जर ऑफ साउथ इटली, सारे वन मोर क्वेश्चन ही तो है। एंड ही वाज फेमस फॉर हिज रेड शर्ट सोल्जर्स। गैरिबाल्डी वाज फेमस फॉर हिज रेड शर्ट, ये रेड शर्ट पहनते थे सारे सोल्जर्स, रेड शर्ट सोल्जर्स। तो गैरिबाल्डी ने साउथ इटली की यूनिफिकेशन में काउंट कैवूर की हेल्प की। एंड काउंट कैवूर गैरिबाल्डी वॉन फ्रॉम बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। इन दिस वे इटली वॉज यूनिफाइड इन 1861 अंडर विक्टर इमैनुअल टू। विक्टर इमैनुअल टू जो सिर्फ एक सार्डिनिया पीडमोंट का रूलर था, Now he became the emperor of whole Italy and Rome became its capital. Italy की capital कौन सी स्थिति बन गई? Rome. Rome became the capital of Italy after the unification. Is it clear? Italy भी unified हो गया. Who did the work of the unification? Count Cavour. Who was Count Cavour? He was the chief minister of Sardinia Piedmont. Under name the ruler under whom Italy was unified, Victor Emmanuel II. Who became the emperor of all Italy after the unification? Victor Emmanuel II. ये सारे one mark questions बन जाने हैं। After the unification, who became the emperor? Victor Emmanuel II. कैसी government आई जर्मनी या इटली में after unification? Democratic monarchy और dictatorship monarchy. Monarchical form of government came in both the places, Germany and Italy. दोनों जगहों पे मोनार्की ही आई है आफ्टर द यूनिफिकेशन, बिकॉज पीपल वर लॉयल टुवर्ड्स देयर रूलर, दे हैड नो फाइट विद देयर रूलर्स, दे हैड फाइट विद फॉरेन रूल, दे वांटेड टू गेट फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल, बट दे वर इन द फेवर ऑफ देयर रूलर, बिकॉज द वर्क ऑफ द यूनिफिकेशन वॉज डन बाय द रूलर, सो पीपल सपोर्टेड देयर रूलर। दोनों जगहों पे लोगों ने अपने रूलर को सपोर्ट किया, ठीक है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि लोगों की लड़ाई नहीं थी अपने रूलर्स के साथ। तो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जर्मनी एंड इटली आफ्टर यूनिफिकेशन। तो इस वजह से आप ये यूनिफिकेशन करोगे। नेक्स्ट इज स्ट्रेंज केस विद ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ यूके। यूनिफिकेशन ऑफ यूके मैं अभी नहीं कराऊंगी, बिकॉज इसको हम कल करेंगे, ठीक है।